हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। तो आज है दिवाली और हम सजा रहे हैं मंदिर को, पूरा दरबार लगाएंगे हम लक्ष्मी जी, गणेश जी का और हनुमान जी की भी पूजा होती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने साफ़ करी है पटरी, और पटरी को लगाने के बाद हमने इसमें डाला है लाल कपड़ा, क्योंकि लाल कपड़ा बहुत शुभ होता है पूजा के लिए। उसको सजा दिया हमने। अब इसमें हम डालेंगे हम माता रानी की फ़ोटो, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है शेरावाली माँ। हमने शेरावाली माँ को विराजन कर दिया। उसके बाद अब हम डालेंगे लक्ष्मी गणेश जी। हमारे यहाँ पे हर साल नए लक्ष्मी गणेश जी लाए जाते हैं, तो इसलिए ये लक्ष्मी गणेश जी मैंने खरीदे हैं नए। आप बताइए आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में। तो अब हम लगाएंगे चांदी के लक्ष्मी गणेश जी। दिवाली पे हर साल हम चांदी के लक्ष्मी गणेश जी ज़रूर लगाते हैं। प्लस अब हमने लगाए हैं हनुमान जी की मूर्ति, क्योंकि हनुमान जी की भी दिवाली पे पूजा होती है। उसके बाद लगाए हैं इन्होंने लक्ष्मी जी के चरण, जो मैंने मेरे पास काफ़ी टाइम से है, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने ले रखे हैं इनको, मैं हमेशा लगाती हूँ। फिर मैंने लगाए हैं चांदी की हटरी। ये हटरी भी बहुत शुभ होती है। ये पहले जब मेरी शुरू शुरू में शादी हुई थी तब मम्मी ने पहले दिवाली पे दिए थे। अब मैंने लगाए हैं मिट्टी के हटरी, क्योंकि इसमें ये दिवाली पे लगाए जाते हैं, इसमें हम लोग खील भरते हैं और खिलौने भरते हैं। तो मैंने लगा दिए हैं हटरी और बीच में लगाई है मैंने चांदी की हटरी। यहाँ पे मैंने लिए हैं दो दिए, एक में लगेगा घी का दिया और एक में लगेगा सरसों का दिया। यहाँ हमने लगाए हैं शनि महाराज। भगवान करे शनि महाराज की कृपा हमारे परिवार पे हमेशा बनी रहे। तो इन्होंने गेट पे लगाए, इनका गेट पे लगाने से जितनी भी नज़र होती है या बुरी नज़र होती है ये कभी नहीं लगती, ऐसा सब बोलते हैं। तो हमने भी फिर ये शनि महाराज गेट पे लगाए थे। अब हम लगा रहे हैं शुभ लाभ। एक्चुअली दीवार पे लगाना था, बट पिछली बार जो शुभ लाभ लगा हुआ है वो निकल नहीं रहा था, तो इस बार हमने सोचा कि हम गेट पे लगा देते हैं। तो इन्होंने फिर गेट पे ही शुभ लाभ लगा दिया। यहाँ मैं लगा रही हूँ सत्या। हम गेट के इस साइड भी लगाएंगे और उस साइड भी लगाएंगे, बेसिकली दोनों साइड सत्या बनते हैं हमेशा, इसलिए मैंने दोनों साइड लगाए हैं। ये मैं एक और शुभ लाभ लाई थी, एक्चुअली तीन शुभ लाभ लाई थी, तो एक वहाँ पे लगा दिया था, दो और लाई थी, तो एक ये यहाँ लगाया है और एक बैक साइड पे लगाया है पीछे बालकनी में, और ये भी मैंने गेट पे लगाया ताकि ये गेट से निकले ना बिल्कुल भी। यहाँ मैं और आद्विक हम दोनों खील भर रहे हैं। उसने बोला आद्विक ने कि मम्मा मैं भी आपकी हेल्प करूँगा, तो मैंने कहा ठीक है बिट्टू आप भी हटरी भरो, तो वो भी हटरी भर रहा था। हटरी भरी जाती है खील से और खिलौने से, तो मैं यहाँ पे खिलौने भी रखूँगी। और ये आद्विक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि उसको बहुत मज़ा आ रहा था खील भरने में, उसको लग रहा था कि ये कुछ एक्टिविटी है, फन एक्टिविटी है, तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। बच्चे ऐसे ही होते हैं क्यूट क्यूट से। यहाँ पे आश ने दोनों हटरियों में खिलौने भरे हैं। ये रैबिट है, उस साइड भी भरेंगे और चांदी की हटरी के सामने भी एक खिलौना रखेंगे। यहाँ पे हमने दरबार सजाना शुरू करा है। यहाँ पे हमने फूल की लड़ियाँ लगानी शुरू कर दी, अच्छे से फूल की लड़ियाँ लगाई, क्योंकि ये आर्टिफिशियल लड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, ये ऐसी ही रखती हैं बिल्कुल फ्रेश फ्रेश, और देखने में भी काफ़ी अच्छी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। तो हमने इसी से सजावट करी, सारी की सारी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने इन्हीं फ्लावर की लड़ियों से मंदिर भी सजाना शुरू करा, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है। मैंने जैसे कि बताया कि ख़राब नहीं होते, तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं, तो मैंने दोनों साइड भी यही पीले रंग की लड़ियाँ लगा दी। बोलते हैं हर पूजा में आम के पत्ते बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं, तो मैंने यहाँ पे आम के पत्ते की माला बनाकर आम के पत्ते भी लगा दिए। अब हम लोग दरबार में जितनी भी लड़ियाँ थी, लाइटिंग थी, वो बची हुई थी, तो आज सब लाइटिंग कर रहे थे सारी। ये रेड कलर की लाइटिंग है और भी मल्टी कलर की लाइटिंग से काफ़ी अच्छी उन्होंने सजाया। हमारे पास एक्चुअली बहुत सारी लाइट्स हो गई थी, तो हमने क्या करा, हमने कलेश वाली लाइट भी मैंने एज यूजुअल ले ली, मेरे को पता ही था लगाने का है। तो फिर हमने सोचा कि हम लोग क्यों ना दरबार की साइड में लगा दें, क्योंकि कलश है तो और भी सुंदर लगेगा। अब इन्होंने जो असली वाले फूल थे उनसे सजाना शुरू करा, अच्छे से ऊपर लगाया उनको दरबार में, हर ट्री में, भगवान जी की मूर्तियों पे, सब पे उन्होंने असली जो गेंदे के फूल होते हैं उनकी माला लगानी शुरू करी। ये माता रानी के ऊपर भी हमने गेंदे के फूल सजाने शुरू करे। हम लोगों ने ज़्यादा नहीं लगाए, क्योंकि फिर वो ज़्यादा बिचम बिचम हो जाती है, फिर सांस नहीं आती भगवान जी को, तो हमने ज़्यादा फूल की सजावट नहीं करी, हमने ज़्यादातर सिंपल रखने की कोशिश की है। यहाँ पे मैंने सीढ़ियों पे गुलाब की पंखुड़ियों से सजाने की कोशिश की है। सारे बॉर्डर्स मैंने गुलाब की पंखुड़ियों से बनाए हैं, नीचे से लेके ऊपर तक। देखो आउटपुट कैसा निकलता है, बाकी पता नहीं मुझे, कोशिश तो मैंने करी है, बाकी देखो भगवान जाने।
ये इन्होंने फ्लावर पॉट में एक ग्रीन कलर से कलर करा है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे रोज पेटल्स, क्योंकि हमें डालना है फ्लोटिंग कैंडल्स, तो इसलिए उन्होंने रोज पेटल्स डाल के गेंदे के फूल डाले हैं। और प्लीज़ 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 गाइज मेरी आवाज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा बैठ गई है जो कि ठीक ही नहीं हो रही है, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप ऐसा लगता है जैसे आप रो रहे हो, बट मैं रो नहीं रही हूँ, बट मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा बैठ गई है, तो मेरी आवाज़ ऐसे निकल रही है, क्या करें। मौसम एज़ यूजल, मैंने बहुत सारे सजावट के सामान खरीद लिया और मुझे पता नहीं था लगाना कहाँ है, तो हमने सारा सामान हमने दरबार पे लगाना शुरू करा, और वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो जितने भी फ्लावर पैटर्न्स थे या फ्लावर्स की लड़ियाँ थी, वो हमने सारे दरबार पे लगा दी, तो वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। भगवान जाने पता नहीं कैसे हुआ ये, ऐसा होता है ना, जो आप सोचते हो वो होता नहीं हो, जो आप नहीं सोचते वो हो जाता है, तो ऐसे ही हुआ। अच्छा लग रहा था मंदिर, बहुत सुंदर लग रहा था, नो डाउट। ये मैंने यहाँ पे लगाए हैं 4 मटके, ये मम्मी मुझे दिवाली पे देकर गई थी, तो मैंने ये लगा दिया, इसमें बहुत सुंदर लग रहा था। ऐसे ही मैंने छोटे छोटे मटके ये मैंने साइड में लगा दिया, और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे रंग बिरंगे से। अब हमने लगाए माता रानी के चरण, कि भी लक्ष्मी जी आए हमारे घर में और हमें अपनी कृपा दे, हमारे ऊपर हमें अपना आशीर्वाद दे के जाए। तो हम लोगों ने गेट की एंट्री पर 2 लक्ष्मी जी के पैर लगाए थे, चरण लगाए थे बेसिकली। अब इन्होंने सतिया बनाना शुरू करा दिए से, तो इन्होंने सतिया बनाया था, बहुत सुंदर लग रहा था सतिया, नो डाउट। आई मीन मेहनत तो बहुत करते हैं, मेरी बहुत हेल्प करते हैं, ओ गॉड। ऐसा पति कुछ तो सच बोलते हैं सब लोग, कुछ तो अच्छे काम किए होंगे मैंने, जो ऐसा पति मैंने पाया है। एनीवेज इन्होंने बहुत सुंदर सत्या बनाया जो कि देखने लायक था, वो बाद में आपको आगे दिखेगा, जब दिए जलेंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअली में बहुत सुंदर था, नाइस। यहाँ मैंने दिया में घी डाल दिया है, पहले दिया जो है घी का डलेगा, उसके बाद जो डलेगा वो है सरसों का, जो कि ये लगा रहे हैं आप देख सकते हैं सरसों का, इन्होंने दिया बनाना शुरू करा है, तो सरसों का तेल का दिया बनाएंगे। और घी के दिए से हम लोग काजल बनाते हैं, और सरसों का तेल से नॉर्मल तेल का जो दिया लगता है वो लगता है, मुझे ऐसा ज़्यादा इतना जानकारी नहीं है, सॉरी तो मैं गलत जानकारी क्यों दूँ आपको। घी के दिया इसलिए लगाया जाता है क्योंकि शुभ होता है और उससे काजल भी बनता है, तो हम लोग दोनों दिए लगाते हैं, हमारे घर में रिवाज है ये। अब आप सोच रहे हो कि इतने सारे दिए क्यों लिए, एक्चुअली मैंने 108 दिए लिए थे, क्योंकि अच्छा रहता है यार, वो भी बेचते हैं तो उनको भी लगता है उनकी भी दिवाली बन जाए, तो मैंने 108 के 108 दिए ले लिए थे, तो वो 108 मैंने दिए मुझे पता नहीं था कहाँ लगाने, बट मैंने ले लिए। तो एक के हमने सत्या बना दी, बाकी दिए मैंने मंदिर के बाहर दरबार के आगे रख दिए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था कि किसी की दिवाली बन जाए यार, और क्या चाहिए, तो फिर मैंने ले लिए थे, छोटा मोटा कॉन्ट्रीब्यूशन दिवाली पे। फाइनली हमने अपना दरबार सजा दिया था, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लग रहा है। अब हम लोगों ने अपने परिवार के साथ पूजा करी, हाँ सब लोग मिसिंग थे, नवीन, कोमल, मम्मी, पापा, दीपांशु, हम सब मिसिंग थे, बट वो लोग भी अपने घर में पूजा कर रहे थे तो वो नहीं आ पाए, तो इस वजह से हम चारों ने ही अभी पूजा करी थी, और बेसिकली छोटू आतिक ने भी की थी, तो हमें बहुत मज़े आए, हम लोगों ने पूजा करी, दिए जलाए। सत्या आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है एक्चुअली में, तो बहुत ज़्यादा सुंदर था। फिर हमने यहाँ पे जलाना शुरू करा दिए को, ये मैंने 5 दिए जो रखे हैं वो ये घी के थे, बाकी हमारे तेल के लगते हैं, एक बड़ा दिया घी का लगता है, 5 दिए घी के लगते हैं, और बाकी में आप सरसों का तेल डाल सकते हो, जो आप तेल डालना चाहते हो, वैसे सरसों का तेल ही डाला जाता है, तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, अलग से ही जमघाट, एक्चुअली क्या बोलते हैं, लाइटिंग हो रही है, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। हम सब ने जला दिए थे दिए, और देख सकते हैं सब लगे पड़े हैं दिए को जलाने में, क्योंकि क्या है ना, दिए में तेल बार बार ख़त्म होता है, तो कोई तेल डाल रहा था, कोई दिए लगा रहा था, कोई जला रहा था, सारे के सारे हम लगे पड़े थे, और आज भी पीछे बैठ के हम सबको देख रहा था, वो बहुत इन्जॉय कर रहा था। यहाँ पे हम आरती कर रहे हैं, और आप सोचोगे पापा जी कॉपी में क्या लिख रहे हैं, तो पापा जी हर साल दिवाली पे हम सारे परिवारों के नाम लिखते हैं, और सुख शांति के लिए कृपा करते हैं, और हमें आशीर्वाद देते हैं, और सबके सिग्नेचर लेते हैं, सबका कहते हैं कि हमसे कोई भूल चुक हुई हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, और हम सब माता रानी की कृपा हम पे हमेशा बनी रहे। हम जब आरती कर रहे थे तो हमें ना एक सुख और एक शांति साइड मिल रहा था, कि हाय कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक्चुअली जब मेहनत करी हो और बाद में जब उस चीज़ का फल मिलता है ना, बहुत सुंदर लगता है। तो आप देख सकते हैं मंदिर कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, माय गॉड, आई एम जस्ट लविंग इट। चलो नया शब्द निकालो।
जय माता रानी सदा सुख रखो भगवान की जय। हेलो माता, हेलो कल वाश, हे जय माता दी, जय लक्ष्मी माता सदा सुख रखो। यहाँ पे मैं और आज ढोक लगा रहे थे और आते पीछे बैठ के अपना मस्ती मार रहा था। हे लक्ष्मी माता, हे गणेश महाराज, मेरे परिवार पे, मेरे हस्बैंड को हमेशा सदा खुश रखना, मुझे सदा सुहागन रखना, और हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना, मेरे बच्चे को खूब 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 लंबी उम्र देना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बड़ा हो जाए, तू बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए। तो ये 5 दिए हमने लिए घी के, जो कि मैं अपने गेट के बाहर लगाऊंगी। बेसिकली जो गेट का द्वार होता है उन पे लगा जाते हैं, हर गेट पे, जैसे कि कोई कमरा हो या वॉशरूम हो या पीछे गेट हो, हर उस पे 5 दिए जो भी हैं, 5 दिए गिनती के लगाए जाते हैं। तो हमने भी 5 दिए गिन घी के लगाए हैं। उसके बाद तेल के दिए हैं, वो तेल के दिए आप जहाँ आपको मन करे वहाँ लगाओ, चाहे सीढ़ी में लगाओ, चाहे घर के द्वार पर लगाओ, चाहे गेट पर लगाओ, चाहे नीचे चौराहे पर लगाओ, कहीं पर भी लगा सकते हो जहाँ आपका मन करे। 5 दिए लगाने ज़रूरी होते हैं हमारे अंदर। हर किसी का अलग अलग रीति रिवाज होता है, हर किसी के घर के रिवाज अलग होते हैं, तो हर किसी के रिवाज की हम कदर करते हैं, इसलिए हम भी वही चीज़ करते हैं जो हमारे घर में चलती है, और हमें इस चीज़ में बहुत ज़्यादा खुशी रहती है। अब इन्होंने लिए तेल के दिए, अभी तेल के दिए जहाँ जहाँ लगाना चाहते हैं बिल्कुल लगा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों नहीं लगा रही। एज़ यूजुअल मैंने बताया कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो मुझे पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था बर्दाश्त, तो मैंने इस टाइम भी मास्क लगा रहा था क्योंकि पोल्यूशन मेरे नाक में जा रहा था। अभी भी आप देख सकते हो मेरी आवाज़ कैसी हो रखी है, तो खांसी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर इन्होंने बोला कि मैं ही जाके लगा देता हूँ, आप घर पे बैठो। तो फिर मैं घर के अंदर थी और दिए लगाना और ये सब बाहर का काम जो है इन्होंने खुद ने किया था। थैंक्स टू हिम जो इन्होंने इतनी हेल्प करी, क्योंकि मेरी उस दिन भी एक्चुअली में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, आप बिलीव करोगे, मेरे को थोड़े से चक्कर भी आ गए थे। तो फिर हमने सोचा कि थोड़ा अवॉइड करते हैं इस चीज़ को। अब इन्होंने दिया जो है गेट के स्टार्टिंग पे लगाना शुरू करा, मेन गेट पे, ये हमारा मेन गेट था। उसके बाद इन्होंने सीढ़ी पे लगाना शुरू करा, जैसे जैसे हम ऊपर जाते गए इन्होंने सीढ़ियों पे लगाना शुरू करा। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, बहुत सुंदर लग रहा था। तो अब दिवाली है, लाइटिंग तो ज़रूरी है, तो हमने हर जगह दिए लगाते, हम जहाँ जहाँ लगा सकते थे हमने हर जगह दिए लगा दिए, ताकि बहुत ज़्यादा लाइटिंग रहे और बहुत ज़्यादा उजाला हो जाए हमारे घर में। तो आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ पर कैंडल्स लगाई हैं, इन्होंने लगाई है, एक्चुअली मैंने नहीं, इन्होंने लगाई है, ये सारे कैंडल्स लगाए हैं, दिए भी लगाए हैं। देखिए दिए भी लगाए हैं, कैंडल्स भी लगाए हैं, और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था लाइट्स करके। एक्चुअली में बोलते हैं ना, दिवाली जो है दियों का त्यौहार है, लाइटिंग का त्यौहार है, तो हमने सिर्फ लाइटिंग करी, और सिर्फ लाइटिंग में ही हमारा घर इतना सुंदर लग रहा था ना, माय गॉड, मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। बट हर किसी का घर ऐसे ही घर चमकता रहे, उजाला रहे, लक्ष्मी माँ की कृपा हमेशा बनी रहे, गणेश महाराज की कृपा हमेशा बनी रहे। आपको ये व्लॉग कैसा लगा हमें जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हैप्पी दिवाली वंस अगेन, और ये त्यौहार आपका बहुत 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 अच्छा जग गया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने लेट व्लॉग डाला है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी दिवाली कैसी गई, और आपने कितना इन्जॉय किया, क्या क्या मिठाई खाई, और कहाँ कहाँ घूमने गए, क्या क्या किया अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो आज चलो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो हमने फुल जड़ी जलाई है तो फिर बीमारी कैसी हुई। तो गाइज़ ये नॉन टॉक्सिक कम पोल्यूशन वाली, बहुत रेयर पोल्यूशन वाली फुल जड़ी थी जो मैंने स्पेशली आदिक के लिए ली थी। तो
तो आदित्य को भी तो हमें बताना था कि भाई पटाखे कैसे जलते हैं। पटाखे तो हम लोग कभी यूज़ करें नहीं, हम दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ते, बट हमने शगुन के लिए आदित्य के लिए नॉन टॉक्सिक वाली फुल जड़ी जरूर खाई की थी, जो मैं स्पेशली उसके लिए लेकर आई थी। हैप्पी दिवाली वंस अगेन।